हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कैथल और करनाल में पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही डीसी के माध्यम से डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपकर बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करने की मांग भी की है। किसानों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 5100 रुपए पेंशन, फसलों के बीमा और कर्ज माफी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कैथल और करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने 5100 रुपए पेंशन नहीं करने के लिए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के पास विधायकों के भत्ते बढ़ाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। किसानों ने नेताओं पर पेंशन के नाम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब चुनाव के दौरान 3100 रुपए मासिक देने का भाजपा ने किया था, 5100 रुपए का दुष्यंत चौटाला जी जजपा की ओर से किया था, और ये कहा था कि हम पहली कलम से सरकार बनते ही ये लागू करेंगे, कर्ज माफ कर देंगे, फसल बीमा की जो राशि है वो हम सरकार की तरफ से देंगे, और जो विधवा, वृद्ध, विकलांग, उनकी पेंशन 5100 रुपए पहली कलम से करेंगे। लेकिन सरकार का भी गठन हो गया, गठबंधन की सरकार बन गई, और पहली कलम से एमएलए के भत्ते, वेतन वो लाखों रुपए में बढ़ोतरी कर ली। जब वृद्धों का बारी आई तो वो पहली कलम वहीं की वहीं थम गई। वहीं करनाल के गांधी चौक पर भी किसानों ने पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दिया और जिला सचिवालय जाकर अतिरिक्त उपायुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सरकार ने इलेक्शन के अंदर जनता से वादे किए थे, उन वादों को जब पूरा किया जावे, पेंशन जो 5100 रुपए प्रति महीना दिया जावे, किसानों को, मजदूरों को जो कर्ज घोषित किया जावे, और जो मंत्रियों की पेंशन और वेतन भत्ते बढ़ाए गए उनको जो तुरंत वापस लिए जावे। सरकार बनने के बाद बुजुर्ग और किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी पेंशन में इजाफा करके 5100 रुपए कर देगी, लेकिन सिर्फ 250 रुपए बढ़ाए जाने से किसानों में और बुजुर्गों में खासी नाराजगी है। इसके लिए फसल बीमा और कर्ज माफी पर भी फैसला नहीं लिया जाने पर भी किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से कमरजीत और कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।